हेलो स्टूडेंट्स, समिश्र संख्या में आज हम दूसरा दिन है और हम आज इस पे इसके आगे इसके जो फंडामेंटल्स या परिभाषाएं हैं या उसके नियम हैं उनको देखेंगे। तो देखें कि सबसे पहले हम देखते हैं समिश्र संख्या का मापांक। तो मापांक क्या होता है? मापांक, इसको हम इंग्लिश में मॉडुलस बोलते हैं। तो यदि z बराबर हमने a प्लस आई बी लिया तो इसका मापांक क्या हो जाएगा? इसको हम मॉड z से डिफाइन करते हैं और मॉड z का मान होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, और यदि z इक्वल टू a प्लस आई बी है, इसका संयुग्म भी संयुग्म मतलब होता है कॉन्जुगेट, इसको हम जेड बार से डिफाइन करते हैं। क्या लगाते हैं? जेड बार, ऊपर जो लाइन खींच दी इसको जेड बार बोलते हैं और वह उसका मान होगा ए माइनस आई बी। तो ये दो परिभाषाएं हैं, मापांक और संयुग्मी। तो इन दोनों की परिभाषा को नोट कर लो, इनकी हम आगे क्वेश्चन में इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। अब हम यदि कोई समिश्र संख्या दी है, यदि z इक्वल टू a प्लस आई बी ये दिया हुआ है, ठीक है, तो यदि हमको इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा? जेड इनवर्स। जेड इनवर्स कितना हो जाएगा? वन अपॉन ए प्लस आई बी। ठीक है, अब इसको हमको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बदलना है, तो कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हम इसके साथ इसके कॉन्जुगेट जो होता है इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जेड इनवर्स इक्वल वन अपॉन ए प्लस आई बी इंटू वन ए माइनस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपकी वैल्यू जो हो जाएगी ए माइनस आई बी, और इसकी वैल्यू देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर और आई स्क्वायर कितना होता है? माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस, ए माइनस आई बी कितना होता है? जेड बार, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो इसका ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमको प्रश्नावली 5.1 में ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, तो हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करा दिया था पिछले वीडियो में। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला देखेंगे। इसको सरल करिए, कितना लिखा हुआ है? 3 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। कैसे करेंगे?
आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7 21 प्लस 21 i, 21 i प्लस, अब i का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 7 i प्लस 7 i² तो हम यहां देखते हैं 21 प्लस 21 i प्लस 7 i, और आई स्क्वायर माइनस होता है तो -7। तो हम इस 21 में से 7 को सबट्रैक्ट कर दिया तो कितना आएगा 14, और 7 i और 21 i कितना हो जाएगा 28 i, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। इसके लिए देखिए 1 - i और यहां माइनस लगा हुआ है तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो प्लस 1 - 6 i, इसको बहुत ही सिंपल है, 1 + 1 2 और -6 और -1 -7 i, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको इनका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम को हमने फार्मूला क्या बताया था, जेड इनवर्स इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड जेड स्क्वायर, ये फार्मूला बताया था आपको। अब इस फार्मूला का यूज करिए आंसर इसके सॉल्यूशन 11 में। तो देखते हैं कि जेड इनवर्स इक्वल कितना हो जाएगा 4 - 3 i, इसका कॉन्जुगेट 4 - 3 i इसका कॉन्जुगेट अपॉन मॉड 4 - 3 i का मॉड होल स्क्वायर। को सिंपल करेंगे तो कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 4 + 3 i, और इसका मॉडुलस, मॉडुलस कितना होगा 4² + -3² तो 4 + 3 i अपॉन 16 + 9, तो जो हो जाएगा 4 + 3 i और ये 25, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12, इसमें भी वही लगाएंगे जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो जेड बार कितना है √5 - +3 i इसका कॉन्जुगेट और इसका √5 + 3 i इसका मॉडुलस। ठीक है, इसको सिंपल करिए तो कितना हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट -3 i, और ये कितना हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर + 3 का होल स्क्वायर, तो √5 - 3 i और √5 का स्क्वायर कितना होता 5 और 3 का स्क्वायर 9, √5 - 3 i + 14, तो ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से आप 13 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको 13 क्वेश्चन भी आप बच्चे कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में इसको a + ib के रूप में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ छात्र देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 × 3 9 प्लस i × 3 √5 माइनस i × 3 √5 और माइनस i × √5² अपॉन i × i² भी होगा उसमें। ठीक है, यहां पर अब हम यहां देखते हैं कि +√3 और -√3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यह जो वैल्यू है √2i और -√2i ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर
रूट टू आई और माइनस माइनस प्लस रूट टू आई, दोनों जुड़ जाएंगे। थोड़ा इसको सिंपल करिए, तो हम यहाँ देखते हैं कि 9 और यह कैंसिल हो गया, दोनों सेम वैल्यू है, माइनस प्लस का साइन का अंतर है, और आई स्क्वायर होता है प्लस, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और रूट फाइव का स्क्वायर 5 अपॉन 2 रूट टू आई, तो कितना हो गया आपका 14 अपॉन 2 रूट टू आई, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 7, 7 अपॉन 2 रूट टू आई। इसको हम यहां पर हम आई की पावर 4 और आई की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर? तो आपका कितना हो जाएगा, ये आई कैंसिल होगा आई क्यू, तो ये आ जाएगा आपका 7 आई क्यू, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट टू, ठीक है? अब इसको सिंपल करिए, आई क्यूब कितना होता है माइनस आई, तो माइनस 7 आई अपॉन रूट टू। इसको आप ए प्लस आई बी के रूप में बदलना चाहे तो 0 प्लस माइनस 7 अपॉन रूट टू इंटू आई। तो यहां पर हम देखते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है आपकी 0, और बी इक्वल टू है आपका माइनस 7 अपॉन रूट टू, ये इसका आपका आंसर हो गया, क्लियर? थैंक यू।